हेलो एंड वेलकम गाई स्वागत है आपका भंटा से डिसेंट चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम इलेवन नेचर आइस टी टेन मैच की जो कि मैच होगा यहाँ पर सारी सारी सनराइज वर्सेस इंडियन रिवर रॉल्स के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे त्रिपुरा वुमेंस टी के वीडियोज़ मिल जाएंगे साथ ही में यहाँ पर मिल जाएंगे बीबीएल टी ट्वेंटी के वीडियोज़ मिल जाएंगे तो सारे अच्छे मैच इसके वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है इनके अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है फेंटासी डिसेंट चैलेंजर या फिर आप सर्च करोगे एट और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी बात करें इस मैच की तो यह मैच रात को नौ बजकर तीस मिनट पर विंटोर पार्क रोसो डोमिनिका वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग के लिए ठीक ठाक पिच है या से बॉलिंग के लिए अच्छी पीछे विकेट्स गिरती न्यूट्रल बैलेंस है हालांकि कई बार अच्छे स्कोर भी हो सकते हैं लेकिन आई थिंक मुझे लगता नहीं ज्यादा स्कोर बनेगा ऐसे 80 110 120 रन के आसपास स्कोर बनता है सबसे पहले बात करते हैं इसी टीम एसएसएस की जो कि पांच मैच के लिए तीन मैच वो जीती है दो मैच वो हारी है ओपनिंग में कौन है तो स्टीफन पा, पास्कल और यहां पर काशिमीर बेंजामिन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं पास्कल की बात करूँ तो लास्ट मैच के अंदर मैंने पंट प्लेयर के रूप में दिया था क्योंकि बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शन थे तो कुछ कारण सर निजी कारण सर हमने इनको ड्रॉप किया था लेकिन इस मैच के लिए अभी शायद मैं इनको सजेशन मीन्स के ड्रॉप नहीं करूँगा इनको एज अ प्लेयर लेके जाना है हमें बैटिंग सेक्शन से क्योंकि इसी टूर्नामेंट के अंदर दो बड़े स्कोर इन्होंने कर चुके ऑलरेडी तो पास्कल वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंट पिक रहेंगे इनको लेके जाना है काश्मीर बेंजामिन विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छी चॉइस है हालांकि पिछली दो मैच की बात करूँ तो कुछ खास किया नहीं लेकिन शुरुआत अच्छी की थी तो एज अ प्लेयर यहाँ से अच्छी पिक बन सकते हैं इवन ग्रैंड लीग वगैरह में एक आधी टीम के अंदर आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो बाकी बात करें यहाँ पर शेड्रैक डस्कर की तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की डिफॉल्ट चॉइस है तो इनको तो हमें लेके भी जाना है इवन कैप्टन वाइस कैप्टन करना है बाकी बात करें ऐसे कैसास की लेविस तो कैसास की लेविस भी अभी तक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर विकेट्स वगैरह चटका हैं रनस कर रहे हैं तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है आ, बात करें ऐसे क्रिस्टन काश्मीर तो इनको वो डिफरेंस में ट्राई करना है सेकंड लास्ट मैच के अंदर यहाँ से पैंतालीस रन की पारी के लिए लास्ट मैच के अंदर जीरो रन किया हालांकि आपको बता दो कि इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच जो है ना आखिरी मैच यानी कि जो रात को बारह बजे खेली जाती है जो आखिरी मैच इन दोनों ही टीम के बीच में ही खेली गई थी तो आखिरी का जो भी परफॉर्मेंस यहाँ से आपको दिखाई देगा ना वो हेड टू हेड परफॉर्मेंस है ऐसा ही समझ लीजिएगा तो लास्ट मैच की बात करो तो इस टीम के सामने उन्होंने जीरो रन पे आउट हो गए तो आ, शायद अगली मैच के अंदर इनको मैं सजेस्ट ना करूं बाकी बात करें यहाँ पर जैसन पेरिस की तो जैसन पेरिस ने अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया हुआ है एक बार ऐसे 28 रन जरूर किए थे प्लेयर अच्छा है लेकिन बैटिंग से थोड़ा सा नीचे आ रहा है रिस्क ले सकते हो इस प्लेयर के ऊपर क्योंकि आप देख सकते हो सेकंड क्लास मैच के अंदर यहाँ से बैटिंग और बॉलिंग भी की थी तो इनको रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो बाकी डेवनी रोल ओके ओके रहेंगे बात करें जैसे किमिया स्ट्रॉन किमिया स्ट्रॉन की बात करूँ तो एक मैच के अंदर विकेट मिली हुई है बाकी दो मैच के अंदर विकेट लेस गए हुए लेप्टा मठाउट गेंदबाज है लेकिन प्लेयर अच्छा है देखो लास्ट मैच के अंदर मैंने इनको रिस्क के तौर पर लिया था हालांकि इन्होंने धोखा दे दिया तो आप एक बार फिर से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि अगर इन्होंने एक से दो विकेट अगर निकाल ली दो वर्स की पूरी गेंदबाजी करवाएंगे तो एक से दो विकेट अगर निकाल ली तो आपकी वन साइड विनिंग पक्की है तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो निकोलस यहाँ पर डिफॉल्ट चॉइस रहेगी इनको तो डेफिनेटली लेके जाना है सैंग सीलिंग फॉर की बात करो तो एज अ डिफ्रेंसी में ट्राई करोगे ऑलराउंडर सेक्शन में बंदा देखेगा आपको अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो इनको लेके जा सकते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है कल रात की भी बात करो तो करीब साठ से पैंसठ परसेंटेड लोगों की चॉइस थी यहाँ पर सैंग सीलिंग फॉर तो एक बार फिर से आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो बाकी बात करें ऐसे अभिषाई एटिन जो कि कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन पूरी ओवर्स वगैरह करवा रहे हैं विकेट्स की बात करो तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हो आप लोग बाकी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास है नहीं बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है तो टेलीग्राम से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना है आपको बात करें ऐसे टीम आई आर 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 की जो कि दो पांच मैच खेली जहाँ से दो मैच वो जीतती है तीन मैच वो हारी है ओपनिंग में कौन है तो लेक्स मेगलोर और यहां पर स्टीफन नाइटरम दोनों ओपनिंग करवा रहा है इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो विकेट कीपर दोनों को लेके जाएंगे यहाँ पर ऊपर से भी विकेट कीपर अच्छा कर रहा है और यहाँ पर स्टीफन नाइटरम भी काफा, काफी अच्छा कर रहे हैं तो दोनों विकेट कीपर हालांकि दोनों ही लास्ट मैच के अंदर चले बिल्कुल नहीं है तो आप लोग रिस्की तौर पर किसी एक को ड्रॉप करना चाहो तो कर भी सकते हो हालांकि मेगलोर एक अच्छी चॉइस है लास्ट मैच के अंदर हमने इनको ड्रॉप किया था जो कि हमारा तुक्का सही गए तो आप लोग क्योंकि इनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा ओवर्स वगैरह ना करवाई नहीं लेकिन कभी भी ऐसे ओवर्स करवा के एक दो विकेट भी चटका सकता है भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो नाइट ट्राम की बात करूँ तो इनको तो लेके जाना ही है इनमें कोई दिक्कत नहीं है डेवन बर्टन को आप लोग ट्राई करिएगा पिछली तीनों मैच के अंदर नहीं चला लेकिन ओवरऑल करीबन चौंतीस की एवरेज है भरोसा कर सकते हो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो टीम का कैप्टन है और यहाँ पर इनसे आप लोग एक परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं बाकी नोएले लेओ की बात करो तो अभी तक का परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहा तो ये तो डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं ओवरऑल भी करीबन सत्रह के एवरेज से रन किए हुए थे और यहाँ पर भी चौंतीस पच्चीस सत्रह जैसे तीन बड़े स्कोर किए हुए तो ये तो डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर रहने वाला है विंसेंट लेवे की बात करो तो एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रिस्क अपोर्ट कर सको तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो बाकी एंडरसन बर्टॉन की बात करूँ तो इन्होंने ना यहाँ पर तीन विकेट निकाले थे लास्ट मैच की बात करो तो विकेटलेस गया अभी देखो इनका क्या है एक मैच के अंदर ये एक वही एक ही ओवर्स करवाते फिर दो ओवस करवाते फिर यहाँ पर एक ही ओवर्स करवाते हैं फिर उन्होंने दो ओवर्स की गेंदबाजी करवाई और विकेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर लगातार इन्होंने तीन मैच के अंदर विकेट निकाली थी लेकिन लास्ट मैच की बात करूँ तो वापस एक बार सिर्फ एक ही ओवर्स की गेंदबाजी करवाई तो आई थिंक एक उम्मीद कर सकते हैं आप लोग ऐसे दो ओवस की अगर पूरी गेंदबाजी करवाएगा तो एक आधो विकेट चटका सकता है फिर भी एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है इसमें कोई शक नहीं इनको लेके जाना ही जाना है कैन जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हो जो कि पिछली तीन मैच की बात करूँ तो वहाँ पर दो मैच के अंदर विकेट निकालिए एक मैच के अंदर यहाँ से तेरह रन किए जिस तरह से यहाँ पर स्कोर बन रहा है ना ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से मैच के अंदर स्कोर बन रहा है उस हिसाब से अगर प्लेयर चौदह पंद्रह भी रन करता है तो मैं बोलता हूँ काफी अच्छा स्कोर कर रहा है तो यहाँ पर तेरह रन इन्होंने किए सातवें नंबर पर आते हुए जो कि अच्छा है बाकी डेनियल डुबिकनी की बात करूँ तो ये ओवर्स वगैरह तो करवा रहे हैं विकेट्स की बात करूँ तो सिर्फ एक ही मैच के अंदर विकेट मिली हुई है बाकी विकेट लेस जा रहा है जिसके लिए न आपको स्मॉल के लिए शायद मैं सजेस्ट ना करूँ लोकहाट भी काफ़ी रिस्की रहेंगे इनको भी लेके जाना काफ़ी रिस्की रहेगा बाकी मार्शे को मैंने लास्ट मैच के अंदर भी सजेस्ट किया था कि इनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो पिछली दोनों मैच के अंदर दो दो विकेट और पहली दोनों मैच के अंदर एक एक विकेट तो अगली मैच के अंदर तीन तीन विकेट निकालेगा क्या कोई बात नहीं देख लेते हैं लेकिन विकेट्स पक्का निकालेंगे ये पक्का बात है बाकी ऐसे दुरंग को आप लोग ट्राई कर सकते हो करता है वो ओवर्स लेकिन इसका नाम शायद आपको बैटिंग सेक्शन से दिख सकता है तो रिस्क के तौर पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो या नहीं एज अ प्लेयर तो लेके जाना ही जाना है क्योंकि और कोई चॉइस मिलने वाली भी नहीं है कोई बात नहीं एज अ प्लेयर तो हमें लेके जाना है बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम जो ज्वाइन करना है अभी के लिए बात करते हैं हम लोग हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो मैं दो विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ सी बेंजामिन और यहाँ पर एस नाइथराम यहाँ पर आप लोग डी बर्टन को भी ट्राई कर सकते हो वो भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है और कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है तो ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेक्शन में की बात करूँ तो यहाँ पर एस पास्कल है जे दुरांध है एन लियो है और यहाँ पर के जनो लेविस हमारी टीम के अंदर रहने वाले है आ, रिस्क यहाँ पर किन के ऊपर ले सकते हो यहाँ पर पेरिस एक अच्छा यहाँ से प्लेयर बन सकता है रिस्क किन के ऊपर लेना है बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो के लेविस के सॉरी वी लेविस के साथ एस दस्काट हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहाँ पर आप लोग सीलिंग फोर को ट्राई कर सकते हो दो ऑप्शन है आपके पास या तो आप जे दूरान को ट्राई करिए या फिर आप सीलिंग फोर को ट्राई करिए दोनों में से किसी एक को आपको लेना है और वो मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ मैं ऐसे दूरान के साथ गया हूँ आप लोग सीलिंग फोर के साथ भी जा सकते हो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर आर निकोलोस के साथ सी मार्शलिन और के जिन हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी आप लोग यहाँ पर ए बर्टन वगैरह को ट्राई करना चाहो तो कर क्या ए बर्टन अच्छी चॉइस है आई थिंक यहाँ पर हम लोग के जिन की जगह पर बर्टन को लेके जा सकते हैं बाकी के जिन की बात करूँ तो के जिन ने पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट निकाली है तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इनको आप लोग चाहो तो ऐसे निक्लोस की जगह पर भी के जिन को ट्राई कर सकते हो बाकी रिस्क या से स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर मगलोर के ऊपर आपको लेना है टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे एस डस्कार कैप्टन रहने वाले वाइस कैप्टन यहाँ पर सी मार्सलिन वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे वाइस कैप्टन अदर चॉइस की बात करूँ तो वी लेवी से या से नाइट राम और बेंजामिन इन दोनों में से किसी एक कोटर कर सकते हो बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से ही रह सकती है याद रहे कि जो टीम है ये डेमो टीम है फाइनल टीम कहाँ पर मिलने वाली है आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाना है सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर या फिर आप सर्च करोगे एट द रेट एफ डी सी ट्वेंटी सेवन और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है शेयर कर देना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैच के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम से जुड़ जाना बाकी वीडियो को पूरा देखो अच्छे से समझो कुछ कुछ प्लेयर के बारे में क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसी है ना कि एक दो प्लेयर्स से भी आप लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा अगर कर लेते तो आपकी ग्रांड लीग जीतने के चांसेज यहाँ पर रहेंगे क्योंकि बहुत ही ऑकवर्ड और शायद कैप्टन वाइस कैप्टन तो सेफ जा रहे हैं तो इसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करके यहाँ पर ग्रांड लीग में अच्छा खासा रैंक ला सकते हो तो वही है अच्छी विनिंग करते रहो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत